इस आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर के सारे करेक्टर की एबिलिटी के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो है पार्ट टू। इसका पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, जिसके अंदर मैंने आपको फ्री फायर के जितने भी एक्टिव करेक्टर है उसके एबिलिटी के बारे में अच्छे से बताया है, ठीक है। और इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के जितने भी मेल पैसिव करेक्टर है उनकी एबिलिटी के बारे में। इसके अलावा गाइस इसका पार्ट थ्री भी जल्द ही आपको दिखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको सारे फीमेल पैसिव कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट थ्री चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट थ्री लिख देना, और गाइस 2000 लाइक एम का टारगेट है वो लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसके बाद जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके, आइए देख मजा आएगा। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आता है अपना नैरी करेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप कोई ग्लूवल को लगाओगे तो ये जो करेक्टर है वो आपके ग्लूवल को हर एक सेकंड पर 50% रिकवर करेगा, मतलब कि मजबूत करेगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि अगर कोई एनिमी आपके ग्लूवल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो भाई उसको जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा, बोले तो आपका जो ग्लूवल है वो लेट से फूटेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो करेक्टर है हर एक सेकेंड पर आपके ग्लूवल को 50% रिकवर कर रहा, बोले तो मजबूत कर रहा, ठीक है। अब गाइस यहां पे देखो इसकी जो दूसरी एबिलिटी है वो जस्ट इसका उल्टा है, वो ये है कि जब आप किसी ग्लूवल पे फायरिंग करोगे एआर वाली गन से, एआर का मतलब गाइस जिस गन में एआर का एमओ लगता है, जैसे एके हो गया, अस्कार हो गया, इन सब गन से जब आप किसी ग्लूवल पे फायरिंग करोगे, चाहे वो ग्लूवल एनिमी का हो या फिर आपका हो, तो उस ग्लूवल पे जो है 35% डैमेज ज्यादा पड़ेगा, मतलब कि वो ग्लूवल जल्दी फूटेगा, ठीक है। सीधा सीधे बोले तो गाइस आप अगर ग्लूवल लगाओगे तो आपका ग्लूवल को फोड़ने के लिए एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी ग्लूवल को फोड़ने की कोशिश करोगे एआर वाली गन से तो वो जल्दी फूट जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद किस यहाँ पे आता है अपना ऑथो कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप लोग किसी एनिमी को नॉक करोगे तो जहाँ पे आपका एनिमी नॉक होगा उसके 20 मीटर के अंदर अगर उस एनिमी का कोई टीममेट है तो उसके ऊपर ये जो कैरेक्टर है एक मार्क बना देगा मोको के टाइप का, आप लोग बैकग्राउंड पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पर याद रखना कि मार्क तभी बनाएगा जब एनिमी जो है एनिमी का जो टीममेट है वो उसके 20 मीटर के अंदर रहेगा तब, ठीक है। इसके अलावा गाइस क्या है कि जिस पे मार्क बना रहेगा उसका मूवमेंट स्पीड भी 25% कम हो जाता है, ठीक है। वो भी गाइस यहाँ पे 4 सेकंड के लिए बोले तो मार्क बनाएगा और उसका मूवमेंट स्पीड भी कम होगा, ठीक है। ये हो गया गाइस इसकी पहली एबिलिटी। इसका दूसरा एबिलिटी ये है कि जब आप लोग नॉक हो जाते हो, मतलब कि आप किसी एनिमी से फाइट ले रहे हो और आप नॉक हो जाते हो, ठीक है, एनिमी ने आपको नॉक कर दिया, तो जो एनिमी आपको नॉक करेगा उसके ऊपर मार्क बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके टीममेट्स को पता चल जाएगा कि हाँ आपको किसने नॉक किया, ठीक है। तो बेसिकली गाइस इसकी एबिलिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी कैसे आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा पैसिव कैरेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ओके इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है लियोन कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी है रिकवर 60 HP आफ्टर सर्वाइविंग ए कॉम्बैट। यहाँ पे गाइस कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा पटका पटकी ये सब, ठीक है। सीधे सीधे बोले तो गाइस यहाँ पे ये है कि जब आपको कोई एनिमी डैमेज देगा, जब आप लोग किसी से फाइट लोगे और एनिमी आपको डैमेज देता है तो उसके जस्ट कुछ सेकंड के बाद ये जो कैरेक्टर है वो आपको 60 HP देगा, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड पे देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा HP है वो अपने आप बढ़ रहा है, ठीक है। और गाइस 60 HP देगा जो कि यार काफ़ी बड़ी बात होती है, तो मेरे ख्याल से तो यार ये कैरेक्टर काफ़ी सही कैरेक्टर है। थैंक यू। इसके बाद किस यहाँ पे आता है अपना जेवियस कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी को आप लोग तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास रहेगा EP। यहाँ पे गाइस क्या है कि 12 मीटर के अंदर अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है तो आपको जो है 12% डैमेज कम पड़ेगा, और गाइस यहाँ पे ये जो 12% डैमेज आपको कम पड़ता है ये आपके EP से कटता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे गाइस कोई एनिमी आपको दिया 100 का डैमेज तो ऐसे टाइम पे 88 HP आपका कम होगा और 12 आपका EP कम होगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसकी जो एबिलिटी है वो आपके टीममेट पे भी काम करता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद किस यहाँ पे आता है अपना DV कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग चलते हुए, मतलब कि मूव करते हुए फायरिंग करोगे तो ऐसे टाइम पे ये कैरेक्टर आपके जो मूवमेंट स्पीड है उसको 30% बढ़ा देगा। इसके अलावा किस आपका जो एक्यूरेसी है उसको 60% इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे किस एक्यूरेसी का 60% इंक्रीज होने से फ़ायदा क्या होगा, सिंपल सा बोले तो भाई आपका जो हेडशॉट है वो लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और हाँ किस एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको अभी तक वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप
आपको कुछ सीखने को मिला हो तो भाई जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। एंड इसी तरीके से फ्री फायर के कैरेक्टर का वीडियो, सेटिंग का वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो भाई नीचे में आपको मिलेगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, ओके। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना वोल्फरा कैरेक्टर, जो कि गाइस यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी एंड स्मार्ट कैरेक्टर है। एंड गाइस इसकी एबिलिटी ये है कि जब आपको कोई एनिमी मारेगा हेडशॉट तो आपको जो है 10% से लेकर के 30% तक डैमेज जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस जस्ट उल्टा कि जब आप किसी एनिमी को मारोगे हेडशॉट तो आपका डैमेज 10% से लेकर के 30% तक ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस ये जो 10% से लेकर 30% है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप लोग एक किल करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर के साइड पे आँख वाले ऑप्शन पे एक लिखा जाएगा। ठीक है, दो किल करोगे तो दो लिखा जाएगा, तीन किल करोगे तीन लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो कैसे परसेंटेज है 10% वो उसी पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे एक लिखा हुआ है तो आपका 10% बढ़ जाएगा डैमेज। ठीक है, अगर वहाँ पे दो लिखा हुआ है तो 20% और तीन लिखा हुआ था 30%। ठीक है, हाईएस्ट गैस यहाँ पे 30% ही है, उससे ज़्यादा नहीं। जब एनिमी आपको मारेगा हेडशॉट तो डैमेज कम पड़ेगा, लेकिन जब आप लोग मारोगे हेडशॉट तो डैमेज ज़्यादा पड़ेगा, जो कि गैस यार काफ़ी सही एबिलिटी है। तो क्या नाचोगे? इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना लुकेटा कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप लोग एक किल करोगे तो आपका जो मैक्स एचपी है वो 25 बढ़ जाएगा। नॉर्मली गाइस हमारा जो मैक्स एचपी होता है वो होता है 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने एक किल किया 200 के जगह पे जो हमारा मैक्स एचपी है वो 225 हो चुका है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं एक किल और कर देता हूँ तो 25 और बढ़ जाएगा, बोले तो 250 हो जाएगा। ठीक है, और हाईएस्ट गाइस यहाँ पे 50 ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि दो किल करने पे आपका जो मैक्स एचपी है वो 200 के जगह पे 250 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद किस यहाँ पे आता है अपना एंटोनियो कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि ये आपको हर राउंड पे 40 एक्स्ट्रा एचपी देगा। बेसिकली गाइस इसका जो यूज़ है वो सीएस के लिए काफ़ी सही है कि यहाँ पे क्या हुआ कि हर राउंड पे आपको जो है 40 एचपी एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉर्मल गाइस हमारे पास होता है 200 एचपी, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज़ करोगे तो देख सकते हो आपके पास 200 के जगह पे 240 एचपी रहेगा, वो भी गाइस हर राउंड पे। ठीक है, हर राउंड पे गाइस ये आपको 40 एचपी देगा। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे आता है अपना अलवारो कैरेक्टर। अब देखो यार अलवारो के अंदर जो है दो कैरेक्टर है, एक है अपना नॉर्मल अलवारो, दूसरा गाइस यहाँ पे है इलाइट अलवारो। ठीक है, तो गाइस जो अपना नॉर्मल अलवारो है इसकी एबिलिटी यह है कि एक्सक्लूसिव वेपन, मतलब कि जो भी फटने वाली चीज़ हो जैसे ग्रेनेड हो गया, स्मोक ग्रेनेड, ये सब। ठीक है, तो उसके इंक्रीज उसका जो डैमेज है गाइस उसको ये 20% बढ़ा देता है, मतलब कि उससे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा एनिमी को। ठीक है, सिंपल सा बोले तो भाई यहाँ पे ग्रेनेड से। इसके अलावा गाइस उसका जो रेंज होता है उसको भी 10% इंक्रीज करता है, मतलब कि इसकी एबिलिटी की मदद से आप लोग जो है ग्रेनेड को ज़्यादा दूर तक फेंक पाओगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इसको अपग्रेड करके बना लेते हो इलाइट अलवारों में तो गाइस इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप लोग ग्रेनेड को कुक करोगे तो आपका ग्रेनेड जो है तीन और अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ग्रेनेड है वो चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब आप लोग अपने नेड को छोड़ोगे एनिमी पे तो उसको 30% का ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। बोले तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है। एंड अभी के टाइम पे भाई इस कैरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है सीएस के अंदर। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग इसको यूज़ करते हो या फिर नहीं। बेसिकली गाइस इसको जो है नेडर लोग ही यूज़ करते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखो यार इस टाइप की वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। पिछले गाइस करीब एक हफ्ते से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं एंड पता नहीं गाइस अब और कितना टाइम लगेगा। तो हो सके तो भाई यार एक लाइक जोर से कर देना, लाइक बिल्कुल फ्री होता है एंड आपका एक लाइक जो है हमें काफ़ी हद तक मोटिवेट करता है। एंड इसके अलावा गाइस हो सके तो भाई कोई एक कमेंट करके वीडियो को भी शेयर भी कर देना। ठीक है, ओके। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना जोटा कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी भी काफ़ी ओपी है। यहाँ पे गाइस क्या है कि जब आप लोग एनिमी को हिट करोगे, मतलब कि एनिमी को मारोगे तो गाइस आपको जो है एचपी मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप लोग एनिमी को जितना गोली मारोगे आपको जो है उतना ज़्यादा एचपी मिलेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे इसकी जो दूसरी एबिलिटी है वो ये है कि जब आप लोग एनिमी को नॉक डाउन कर दोगे या फिर किल कर दोगे तो आपको 20% एचपी मिलेगा, मतलब कि करीब गाइस यहाँ पे आपको 40 एचपी मिलेगा, जो कि आप लोग बैकग्राउंड पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना सीरो कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि 100 मीटर के अंदर अगर कोई एनिमी आपको मारता है, मतलब कि आपके ऊपर फायरिंग करता है, तो ये कैरेक्टर उसके ऊपर एक मार्क बना देगा कुछ इस टाइप का, आप लोग बैकग्राउंड पे देख सकते हो, जो कि गाइस 6 सेकंड तक बना रहेगा। ठीक है, और गाइस ये जो मार्क है वो सिर्फ आपको दिखेगा, आपके टीममेट को नहीं दिखेगा।
अब गाइस यहाँ पे क्या है कि जिस एनिमी पे मार्क बना हुआ है उस पे उसको अगर आप लोग फायरिंग करते हो, उसको मारते हो, तो आपका जो पहला गोली होगा, जो आपका पहला शॉट होगा, उस पे आपको मिलेगा आर्मर पेंट्रेशन। मतलब कि गाइस सामने वाला एनिमी अगर वेस्ट और हेलमेट पहन करके है लेकिन फिर भी आप उसको मारोगे तो आपका जो पहला गोली होगा उस पे एनिमी का वेस्ट और हेलमेट काम नहीं करेगा। ठीक है, बोले तो भाई इतना डैमेज पड़ेगा जितना कि बिना वेस्ट और हेलमेट का पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन गाइस यहाँ पे सिर्फ पहले गोली पे। ठीक है, तो वैसे तो गाइस इसकी एबिलिटी उतना कोई खास ओपी तो नहीं है, बाकी गाइस यहाँ पे जो भी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना मारो कैरेक्टर। अब इसकी एबिलिटी गाइस ये है कि जब आप लोग एनिमी को डिस्टेंस से मतलब कि दूर से मारोगे तो आपको 25% जो है डैमेज आपका ज़्यादा पड़ेगा एनिमी पे। नॉर्मली गाइस होता क्या है कि जब हम लोग एनिमी को दूर से मारते हैं तो उसको डैमेज कम पड़ता है, लेकिन इसकी एबिलिटी वजह से गाइस क्या होगा कि नॉर्मल सा लगेगा, मतलब जैसे क्लोज में पड़ता है डैमेज वैसे ही रेंज पे भी पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस यहाँ पे क्या है कि मार्केड एनिमी मतलब कि जिस एनिमी पे मार्क बना हुआ है, मोको का मार्क या फिर सीरो का मार्क बना हुआ है, तो उस कैरेक्टर उसको अगर आप लोग डैमेज दोगे तो 3.5% जो है एक्स्ट्रा और डैमेज जो है उसको पड़ेगा। ठीक है, यही सिंपल सी एबिलिटी है, उतना कोई खास नहीं है। बेसिकली इसका जो काम है वो लॉन्ग रेंज में फाइटिंग करने के लिए है। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है अपना जय कैरेक्टर, जो कि गाइस यार एक रियल कैरेक्टर है अपने इंडियन एक्टर का। इसका गाइस नाम बताना आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। अब गाइस यहाँ पे देखो इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप लोग एनिमी को नॉक करोगे या फिर एनिमी को किल कर देते हो तो आपका गन का जो मैगजीन होगा मतलब कि आपके गन का जो गोली है वो अपने आप गाइस 45% रिलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप लोग बैकग्राउंड पे देखो, यहाँ पे जो मेरा ऊपर में गन है आप लोग उस पर गौर करना, जैसे ही मेरा यहाँ पे देखना जब मैं फायरिंग करता हूँ तो जो गोली है वो मेरा कम हो रहा है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जैसे ही एनिमी मरता है तो मेरा गन जो है वो अपने आप रिलोड हो जाता है, मतलब कि जो गोली है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, और गैस इसकी जो एबिलिटी है वो काम करेगा AR वाली गन पे, मतलब कि जैसे AK हो गया, स्कार हो गया, ये सब पे, और SMG पे, MP40, UMP इन सब पे। इसके अलावा गैस शॉटगन पे भी काम करता है, लेकिन गैस यहाँ पे दो कट्टे पे काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई 45% है और दो कट्टे में गैस यहाँ पे दो ही गोली होता है। ठीक है, इसलिए गैस यहाँ पे, और इसके अलावा गैस जो AWM है उस पे इसकी एबिलिटी काम नहीं करता है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना थीवा कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ऐसा है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आपके टीममेट को फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस क्या है कि जब आपका टीममेट नॉक होता है उसको आप लोग रिवाइव करते हो तो 30% आप लोग जो है फास्ट रिवाइव करोगे, मतलब कि रिवाइव करने का जो टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका टीममेट है वो जैसे ही रिवाइव पाके उठेगा उसको जो है 5 सेकंड के लिए मिलेगा 50 HP, जो कि आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पे देख सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है जोसेफ कैटर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि जब आपको एनिमी डैमेज देगा तो वैसे टाइम पे आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो 15% बढ़ जाएगा, मतलब कि आप लोग फास्ट भागोगे। इसके अलावा गाइस आपकी जो स्प्रिंटिंग स्पीड है, मतलब कि जब हम लोग बैठ करके चलते हैं तो वैसे टाइम पे जो स्पीड होता है वो भी आपका 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस याद रखना ये चीज़ तभी होगा जब आपको एनिमी डैमेज देगा तब। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे इसके बाद आता है अपना कला कैटर, एंड इसकी एबिलिटी तो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि भाई एक टाइम का क्या गाइस अभी भी ये जो कैरेक्टर है काफी ज्यादा फेमस है, और इसको हम लोग बोलते थे फैक्ट्री किंग। ठीक है, आपको गाइस याद होगा। यहाँ पे गाइस इसकी एबिलिटी ये है कि ये जो हमारा फिस्ट होता है, मतलब कि जो मुक्का होता है, उसके डैमेज को 400% इंक्रीज कर देता है। मतलब कि भाई अगर एनिमी को आप लोग एक मुक्का मार दोगे मुंडी पे तो उसका कहानी खत्म, जो कि गाइस आप लोग बैकग्राउंड पे देख सकते हो। यहाँ पे गाइस बिना हेलमेट के तो 500 तक का डैमेज दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो है मुक्केबाजी के लिए यूज किया जाता है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पे आता है अपना मिग्यूल कैरेक्टर। अब देखो यार इसकी एबिलिटी ये है कि जब गाइस यहाँ पे आप लोग एनिमी को नॉक करोगे या फिर किल करोगे तो वैसे टाइम पे गाइस आपको ये जो है 200 EP देगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस HP नहीं बल्कि ये EP देगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है अपना हयातो कैरेक्टर। अब देखो इसके अंदर भी दो कैरेक्टर है, एक है अपना हयातो, दूसरा है इलाइट हयातो। तो यहाँ पे गाइस जो नॉर्मल हयातो है इसकी एबिलिटी ये है कि जब आपका 10% HP कम होगा, मतलब कि करीब आपका 180 से जब HP कम रहेगा तो वैसे टाइम पे आपका जो आर्मर पेंट्रेशन है वो 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो एक एग्जांपल, अभी जो सामने वाला बंदा है वो 3 लेवल का हेलमेट और वेस्ट पहन करके है, तो यहाँ पे गाइस करीब जो है 12-13 का डैमेज पड़ रहा है।
ठीक है। लेकिन गैस अब आप लोग देखो इस वाली क्लिप में यहाँ पे मेरा हेल्थ कम है। अब देखो गैस यहाँ पे जो डैमेज है वो करीब 20 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा गैस यहाँ पे इसका यही मतलब है कि जब आपका हेल्थ कम रहेगा तब एनिमी का जो वेस्ट है और हेलमेट अगर एनिमी पहन करके है फिर भी उसको जो डैमेज है वो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर गैस यहाँ पे आता है अपना इलाइट है, तो गैस यहाँ पे देखो इसकी एबिलिटी ये है कि जब एनिमी आपको डैमेज देगा, ठीक है, जब आपका हेल्थ 10% कम रहेगा मतलब कि 180 से कम रहेगा, वैसे टाइम पे अगर एनिमी आपको डैमेज देगा तो आपको जो है 3% डैमेज कम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैस ये जो डैमेज है आपको तभी कम पड़ेगा जब आपका हेल्थ कम रहेगा तब 10%, ठीक है। मगर क्यों? इसके बाद गैस यहाँ पे आता है अपना टकला कैरेक्टर बोले तो राफेल। अब गैस यहाँ पे इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप लोग स्नाइपर गन यूज़ करोगे बोले तो AWM M2B ये सब, इसके अलावा गैस यहाँ पे मार्क्स मैन गन मतलब कि यहाँ पे हो गया अपना SVD AC-80 उडपेकर ये सब गन यूज़ करोगे तो आपका जो फायरिंग साउंड होता है वो गैस साइलेंट हो जाएगा, बोले तो सिंपल सा साइलेंसर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा गैस यहाँ पे इसकी दूसरी एबिलिटी यह है कि जब आप लोग इन सब गन से एनिमी को नॉक करोगे तो नॉक होने के बाद गैस वो जो एनिमी है 90% फास्ट एलिमिनेट होगा। मतलब कि गैस यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि जब एनिमी को हम लोग नॉक करते हैं तो नॉक होने के कुछ टाइम के बाद वो मरता है, मतलब कि उसके पास रिवाइव पाने का टाइम होता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज़ करोगे तो यहाँ पे गैस नॉक होने के बाद एनिमी जो है बहुत ही जल्दी मरेगा, बोले तो उसके पास रिवाइव पाने का काफ़ी कम टाइम होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है अपना मैक्सिम कैरेक्टर एंड गैसजर। एक टाइम पे ये भी कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस था, पुराने के टाइम पे सब लोग इसी कैरेक्टर को यूज़ करते थे क्योंकि भाई ये जो कैरेक्टर है दिखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी है। अब गैस यहाँ पे देखो इसकी एबिलिटी काफ़ी सिंपल है कि जब आप लोग मशरूम खाओगे, ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग मेडिकिट यूज़ करते हो तो वो जो है आप लोग 25% फास्ट यूज़ करोगे, मतलब कि भाई जल्दी जल्दी आप लोग मशरूम खाओगे। इसके अलावा गैस मेडिकिट लगाने का जो टाइम होता है वो भी 25% कम हो जाएगा, आप लोग फास्ट मेडिकेट लगाओगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। इसके बाद गैस यहाँ पे आता है अपना एंड्रयू कैरेक्टर। अब देखो इसके अंदर भी दो कैरेक्टर है, एक है अपना नॉर्मल एंड्रयू, दूसरा है गैस यहाँ पे अपना इलाइट एंड्रयू, ठीक है। तो गैस देखो जो नॉर्मल एंड्रयू है इसकी एबिलिटी ये है कि जो आपका वेस्ट होता है उसके फूटने का जो पावर होता है उसको ये 20% कम करता है। मतलब कि नॉर्मल देखो आपको पता होगा कि जब हम लोग वेस्ट पहन करके रहते हैं उस पर अगर एनिमी डैमेज देता है तो कुछ टाइम के बाद हमारा जो वेस्ट है वो फूट जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज़ करोगे तो आपका जो वेस्ट है वो थोड़ा सा लेट से फूटेगा, यही सिंपल सी इसकी एबिलिटी है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे जो अपना इलाइट एंड्रयू है इसकी एबिलिटी ये है कि आपको अगर कोई एनिमी डैमेज देता है आपके वेस्ट पे तो आपको जो है 11% डैमेज आपको कम पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा बोले तो अगर कोई एनिमी आपको मारता है AWM का एक गोली तो वहाँ पे 150 की जगह पे आपको करीब गैस यहाँ पे 130 के आसपास आपको डैमेज पड़ेगा। इसके अलावा गैस यहाँ पे क्या है कि अगर आपका टीममेट भी इसकी एबिलिटी को यूज़ करता है तो आपको हर एक टीममेट पे आपको करीब 15% डैमेज और जो है कम पड़ेगा, बोले तो गैस यहाँ पे अगर आपके तीनों टीममेट इसकी एबिलिटी को यूज़ करते हैं एंड आप भी यूज़ करते हो तो करीब आपको 56% जो है डैमेज कम पड़ेगा। मतलब कि वैसे टाइम पे अगर कोई एनिमी आपको मारता है AWM का एक गोली तो वहाँ पे गैस आपको करीब 70 के आसपास जो है डैमेज पड़ेगा, बोले तो आधे से भी कम जो है आपको डैमेज पड़ेगा, ठीक है। यही सिंपल सी गैस यहाँ पे इसकी एबिलिटी है, एक तरफ से देखा जाए तो काफ़ी OP एबिलिटी है। इसके बाद गैस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर बोले तो फॉर्ड कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। अब गैस यहाँ पे देखो क्या है कि जब आपको डैमेज पड़ेगा तो ये जो कैरेक्टर है आपको 10 HP पर सेकंड करके 3 सेकंड तक आपको HP देगा, मतलब कि 3 सेकंड के अंदर ये कैरेक्टर आपको 30 HP देगा जब आपको डैमेज पड़ेगा तब, ठीक है। अब गैस ये जो डैमेज है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, अगर कोई एनिमी आपको डैमेज देता है तो वैसे टाइम पे भी ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड के अंदर, अगर आपको जोन का डैमेज पड़ता है तो वैसे टाइम पे भी ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड के अंदर, अगर आप लोग किसी ऊंची जगह से कूदते हो और आपको डैमेज पड़ जाता है तो वैसे टाइम पे भी ये आपको 30 HP देगा 3 सेकंड के अंदर।
सुंदर, ठीक है। लेकिन गैस यहाँ पे देखो इसके अंदर एक छोटा सा कूल डाउन टाइम है, वो है 20 सेकेंड। मतलब कि जब आपको एक बार ये देगा 30 HP, उसके 20 सेकेंड के बाद ही अगर आपको दोबारा से डैमेज वगैरह पड़ता है तभी ये आपको 30 HP देगा, ठीक है। लेकिन गैस यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे आपने एक बार आप कहीं आपको डैमेज पड़ा, ये आपको 30 HP दिया, ठीक है। अब गैस 20 सेकेंड के बाद देगा, लेकिन इस 20 सेकेंड के बीच में अगर आप लोग किसी एक्टिव कैरेक्टर का स्किल यूज़ कर लेते हो तो इसका जो कूल डाउन टाइम है वो रिसेट हो जाएगा, मतलब कि फिर दोबारा से ये आपको HP देगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है एंड इसकी एबिलिटी भी देखा जाए तो एक तरफ से काफ़ी सही है। थैंक यू सुकेस। यहाँ पे मैंने आपको फ्री फायर के जितने भी मेल पैसिव कैरेक्टर थे उसकी एबिलिटी के बारे में एक एक करके अच्छे से बता दिया। आई होप कि गैस आपको समझ में आ चुका होगा। अगर गैस आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और हाँ गैस, इसका जो पार्ट 3 है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए कमेंट में पार्ट 3 लिख देना। और इसका पार्ट 1 आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे गैस आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके जाके पार्ट 1 भी देख सकते हो। ओके, आई होप कि गैस यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सुहास मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा, टेक केयर।